चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी जल्द ही कांग्रेस पार्टी को आधिकारिक तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। कांग्रेस में इस समय इसे लेकर औपचारिक और अनौपचारिक बैठकों का दौर चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनावी रणनीतिकार को एक राजनीतिक प्रबंधक की भूमिका दी जा सकती है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अहमद पटेल की तरह प्रशांत किशोर को पॉलिटिकल मैनेजर का काम दिया जा सकता है। प्रशांत किशोर सोनिया गांधी के राजनीति सलाहकार की भूमिका में होंगे। प्रशांत किशोर ने मई में घोषणा की थी कि वह बंगाल में टीएमसी की भारी जीत के मद्देनजर एक राजनीतिक सलाहकार के रूप में अपना काम छोड़ रहे हैं। वहीं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार और गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी 28 सितंबर को कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दोनों नेताओं की मुलाकात पिछले दिनों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से भी हो चुकी है। इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारे में अटकलें तेज हो गई थी। कन्हैया सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहेंगे, उन्हें पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भी मैदान में उतार सकती है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी से पहले कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी ने माहिर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से भी मुलाकात की थी। सूत्रों के अनुसार जिग्नेश मेवानी के कांग्रेस में शामिल होने से गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल भी खुश है। जिग्नेश 28 सितंबर या फिर 2 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल होंगे। पार्टी ने बिहार के विधानसभा चुनाव के दौरान भी कन्हैया कुमार को साथ आने का ऑफर दिया था। कन्हैया पिछला लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि बिहार के बेगूसराय सीट से चुनाव लड़ चुके कन्हैया को बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पराजित किया था। दिल्ली में जेएनयू कैंपस में लगे विवादित नारे के दौरान कन्हैया कुमार सुर्खियों में आए थे। उस समय वह जेएनयूएसयू के अध्यक्ष थे। वह केंद्र सरकार के खिलाफ भी निशाना साधते रहते हैं। कांग्रेस युवा चेहरों को अपने साथ जोड़ने की कवायद में जुटी हुई है। कुछ समय पहले राहुल गांधी ने भी नेताओं को पार्टी में लाने के लिए कहा था। राहुल गांधी ने कहा था कि पार्टी को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो कि निडर हो, ऐसे नेता जो बाहर हैं उन्हें कांग्रेस में लेकर आएं, और जो पार्टी में डर रहे हैं वे आरएसएस के हैं, उन्हें पार्टी से बाहर करो। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।